बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। वो लातेहार के चंदवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा मणिका, पांकी, छतरपुर और हुसैनाबाद की विधानसभा कोर कमेटी और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को नड्डा पार्टी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पलामू के विश्रामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे चलेंगे विश्रामपुर। हमारे संवाददाता अविनाश वहां से बने हुए हैं। अविनाश, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव में प्रचार में झोंक दिया है। कल अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, वो कल उन्होंने शंखनाद किया, और आज जो है जेपी नड्डा, नितिन गडकरी वहां विश्रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उत्साह वहां देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से पुनीता, चुनाव का जो शोर है वो आप कह सकती हैं कि धीरे धीरे वो गति पकड़ने लगा है, और ये शोर अब गांव से लेकर शहर तक और हर घर तक पहुंच रहा है। इसी संदर्भ में कह सकती हैं कि कल जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री ने झारखंड की धरती से चुनावी शंखनाद किया, इसके बाद आज कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चंदवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लातेहार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये विश्रामपुर विधानसभा का क्षेत्र है, और विश्रामपुर में इस वक्त अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो यहां सभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां से चुनावी मैदान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को बीजेपी ने उतारा है, और इस वक्त जो तैयारी है, अगर हम तैयारी के भी लिहाज से अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर आप देखें, लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या फिर नितिन गडकरी को सुनने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पहले से स्थान ले चुके हैं। जो समय था पुनीता 12 बजे का समय था, और 12 बज चुके हैं। हालांकि चुनावी सभाओं में इस तरह की बातें होती हैं, थोड़े लेट सवेर आप कह सकते हैं कि थोड़े विलंब से कार्यक्रम की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ जो लोगों का आना जारी है, चाहे आप महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, हालांकि संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो अभी बहुत कम संख्या है, लेकिन जब नितिन गडकरी यहाँ होंगे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे। पीछे जो मंच है, मंच भी पूरी तरह से तैयार है, और मंच पर इस वक्त जो यहाँ के स्थानीय जितने नेता हैं वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, और जो परिपाटी भी रहती है जब बड़े नेता आते हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, इसलिए उससे पहले जो स्थानीय नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित करते हैं, और वो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। विश्रामपुर में अगर हम बात करें, जो चुनावी लड़ाई भी है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ महागठबंधन, जो कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार के रूप में अगर हम बात करें तो ददई दुबे हैं, जेबीएम की तरफ से अगर हम बात करें अंजू सिंह है, इसके अलावा अगर हम प्रमुखता से अगर हम बात करें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश सिंह चुनावी मैदान में है, ब्रह्मेश्वर प्रसाद हैं जो जेडीयू से, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो चुनावी मैदान में जो अलग अलग दलों के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने स्तर से चुनावी अभियान को गति दे रहे हैं। सभाएं अब शुरू हो चुकी है, और सभाओं के माध्यम से कोशिश हो रही है कि कैसे अपने पक्ष में चुनाव को अपना किया जाए। यहाँ जो नितिन गडकरी आएंगे, उनका ये एक एम होगा कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अब तक झारखंड की धरती पर उतर चुकी है, जो डबल इंजन की सरकार को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उसको लेकर जो धरातल पर जिन योजनाओं को सरकार उतारने में सफल हुई है, उसका लाभ आप कैसे ले सकें, भविष्य में डबल इंजन की सरकार से क्या कुछ और फायदा हो सकता है, उसे उदाहरण स्वरूप योजना के मार्फत से बताने की कोशिश होगी कि अगर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनती है तो आने वाले समय में कैसे झारखंड आगे बढ़ सकता है। कल भी अमित शाह ने इस पर जोर दिया था, उन्होंने कहा था कि आगे अगर झारखंड को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है तो ये जरूरी है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार को बनाना, और इसी संदर्भ में बीजेपी का ये पूरी तरह से चुनावी अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। पुनीता जी, अविनाश, जैसे कल अमित शाह ने रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल को गिनवाया, उनके कामों को गिनवाया, और आज नितिन गडकरी विश्रामपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं?
देखिए पुनीता, मैंने पहले भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं इस वक्त झारखंड की धरती पर उतर चुकी हैं, चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, किसानों को दी जाने वाली आप राशि की बात करें, शौचालय निर्माण की बात करें, अलग अलग अगर हम सेक्टर में अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल की वजह से जो योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उन तमाम योजनाओं को एक एक कर गिनाते हुए, उनकी उपलब्धियों को बताते हुए ये बताना कि कैसे अगर राज्य में एक ही पार्टी की, केंद्र और राज्य में अगर एक पार्टी की सरकार हो, उसका फायदा कैसे मिल सकता है। दूसरी तरफ जो अगर लोकल स्तर पर अगर हम बात करें, विश्रामपुर में जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, उन्होंने जो काम किया है वो अपनी काम को जरूर आम जनता के बीच रखने का काम करेंगे। और ये बात जरूर है कि यहाँ विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ भी जो लोगों के अंदर एक उबाल आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत जगह पर सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने कैसे व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ को सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रखा है, बशर्ते अगर इस बात को वो तरीके से जो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं वो इसे अगर खारिज करने में अगर सफल हो जाएं, क्योंकि विरोधियों की ये साजिश। चलिए अविनाश, हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे, आप इस खबर पर बने रहिए, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।